हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोक्ष का अंतिम सफर शुरू। 120 यात्री 60 अस्थि कलश के साथ हरिद्वार रवाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर रोडवेज की मोक्ष कलश स्पेशल निःशुल्क बस सेवा शुक्रवार से शुरू हुई। पहले दिन 4 बसों में 120 यात्री हरिद्वार के लिए रवाना हुए। प्रत्येक परिवार से 2 सदस्यों को अपने परिजनों के अस्थि कलश लेकर जाने की अनुमति मिली है। जोधपुर रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक BR बेड़ा ने बताया कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन के अस्थियों के विसर्जन के लिए ये बस सेवा शुरू की है। जोधपुर रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक BR बेड़ा ने बताया कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन में अस्थियों के विसर्जन के लिए ये बस सेवा शुरू की है। लॉकडाउन के कारण रेलवे बस सेवा बंद होने के कारण गत 2 माह से अपने परिवारजनों को खो चुके लोगों के मन में उनकी अस्थियों के विसर्जन को लेकर असमंजस के हालात बने हुए थे। राज्य सरकार ने लोगों की इस परेशानी को दूर करने की पहल की और रोडवेज की मोक्ष कलश स्पेशल निःशुल्क बस सेवा शुरू की। अस्थियों के साथ इन बसों में रवाना हुए लोगों के चेहरे पर संतोष सांप झलक रहा था। आज रवाना हुई ये बस शनिवार सुबह 6 बजे हरिद्वार पहुंची, वापस दोपहर 3 बजे रवाना होकर रविवार सुबह 8 बजे जोधपुर पहुंची। रोडवेज बस स्टैंड के मुख्य समय पालक बाबूलाल पारसरिया ने बताया कि मोक्ष कलश स्पेशल बस में एक परिवार के 2 सदस्य जा सकते हैं। बसें रवाना होने से पहले रायकाबाग बस स्टैंड पर बसों को सैनिटाइज किया गया। यात्रियों की स्क्रीनिंग व मेडिकल जाँच पहले ही करवा दी गयी थी। बस स्टैंड पर यात्रियों का माल्यार्पण कर विदा किया गया। कुछ यात्रियों ने बताया कि हरिद्वार के लिए कोई साधन नहीं होने के कारण वे अस्थियों का विसर्जन करने जा नहीं पा रहे थे। इस कारण मन में हमेशा एक संशय बना रहता था। अब राज्य सरकार ने उनकी परेशानी को समझ ये सुविधा शुरू की है। अब वे पूर्ण विधि विधान से अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जन कर सकेंगे। लॉकडाउन के 2 माह में सामान्य मृत्यु वालों की अस्थियां हिंदू सेवा मंडल के शिवांशी गेट स्थित स्वर्गाश्रम में रखी हुई थी। सनातन धर्म में मान्यता है कि अस्थि विसर्जन से मोक्ष प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृत व्यक्ति की अस्थियों को गंगा में विसर्जन करना उत्तम माना गया है। अंतिम संस्कार का सबसे आखिरी पड़ाव है अस्थि विसर्जन। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।